दूसरा टर्म है एंटी पायरेटिक ड्रग्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पर लेके आते हैं यानी कि बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को ये कम कर देते हैं ये जो ड्रग्स है यानी कि ये जो एंटी पायरेटिक ड्रग्स है ये ज़्यादा करके फीवर को ठीक करने के लिए काम आता है इसके बाद है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर सूजन हो जाता है उसको ये ड्रग कम कर देते हैं वो बाफ वो जो तीनों टर्म का मतलब है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का मतलब क्या होता है इस टर्म का मीनिंग क्या होता है उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं जैसे कि अब भी हमने देखा कि एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को स्वेलिंग को या फिर किसी भी टाइप के सूजन को कम कर देता है और इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ड्रग्स आते हैं इन ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट नहीं होता इसीलिए ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिनके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट नहीं होता होप आपको ये जो टर्म का मतलब है इसका मीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा इसके बाद हम नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं द ड्रग्स विच आर यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन फ़ीवर पेन इन दॉडी एंड डो नॉट कंटेन स्टेर रिंग इन दर केमिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्डेड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इनफ्लामेटरी ड्रग्स और एनसेड्स जैसे कि अब भी हमने देखा था कि ऐसे ड्रग्स जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को फीवर को और पेन को कम कर देते हैं और साथ ही साथ इन ड्रग केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेरॉयडल रिंग भी नहीं प्रेजेंट होता ऐसे ही ड्रग को हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या फिर एनसेड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की सो नॉन ड्रग्स के दो मेन पार्ट होते हैं पहला है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबीटर्स एंड दूसरा है सिलेक्टिव कॉक्स टू इनिबीटर्स अगर हम बात करें नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबेटर्स की तो इसके अंदर हमें अगेन चार टाइप्स देखने मिलते हैं पहला है सेलीसीलेट्स एंड कॉन्जनर्स जिसके एग्जांपल है सेलीसीट्स एस्पिरिन, सेलिसिक एसिड एंड सोडियम सेलिसलेट्स दूसरा है पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव्स जिसके एग्जांपल है पैरासिटामोल थर्ड है पायराजोलॉन डेरिवेटिव्स, जिसके एग्जाम्पल है अमीनोपायरिन एंटीपायरिन एंड फिनाइल लास्ट है मिसिलेनियस ड्रग्स जिसके एग्जाम्पल है एंटोपिथिसिन आई बीप्रोफिन एंड निमेसुलाइड। अगर हम बात करें सिलेक्टिव कॉक्सटू इनिबिटर्स की तो इसके एग्जाम्पल है सेलिकॉक्सिप रोफिकॉक्सिप एंड वेलडिकॉक्सिप

विदाउट प्रोड्यूसिंग नार्कोटिकफेक्ट ये जो नॉट सरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर एक एनर्जेसिक एक्शन को शो करते हैं यानी कि यह ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर जो पेन होता है जो दर्द होता है उसको कम करने का काम करते हैं जब ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर पेन या फिर दर्द को कम करते हैं तो ये किसी भी टाइप का नार्कोटिकफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते यानी कि ये ड्रग हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी टाइप का नशा या फिर किसी भी टाइप का एडिक्शन

जब हम बीमार पड़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल भी बढ़ना चालू हो जाता है जैसे जैसे हम बीमार पड़ते हैं और इस प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल के बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है तो ये जो नॉर्थ सियोड एंटी एंटीफेटरी ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं इसी प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को कम कर देते हैं इसके सिंथेसिस को कम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल लेवल पर आ जाता है नेक्स्ट है एंटी इंफ्मेटरी एक्शन एट हायर डोज एस्प्रिन एक्ट एंटीफरी एजेंट एंड सप्रेस साइन ऑफ स्वेलिंग पेन इन द बॉडी ये जो नॉन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है जैसे कि एस्प्रिन ये हमारे बॉडी के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का स्वेलिंग होता है इंफ्लामेशन होता है या फिर जो सूजन होता है वो कम हो जाता है नेक्स्ट है रेस्पिरेशन सेट स्टीम Respiration because of direct and de indirect action and increases respiration rate. ये जो सेलिसरेट्स होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन के जरिए जिसके वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो भी बढ़ जाता है नेक्स्ट जी आई टी एस्प्रिन कॉजेज गैस्ट्रिक इरीटेशन एंड प्रोड्यूस पेन नोजिया वोमिटिंग सेलिसरेट ऑल्सो कॉजेज गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड हैमोरेज एस्प्रिन हमारे गैस्ट्रो इंटरल ट्रैक के अंदर गैस्ट्रिक इनिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है और इसी गैस स्ट्रिक इरिटेशन के वजह से हमारे गैस्ट्रो इंटस्टियल ट्रैक के अंदर पेन हो सकता है नॉजिया हो सकता है वोमिटिंग भी हो सकता है ये जो सेलिसिलेट है ये हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक अल्सरेशन या फिर गैस्ट्रिक हेमोरेज भी कर सकता है नेक्स्ट है लोकल एक्शन मिथाइन सैलिसलेट प्रोड्यूसेस काउंटर इरिटेंट या फिर को करते हैं, जिसके से हमारे टिश्यू के अंदर हमारे ऊपर होते हैं या फिर जो पेन होता है वो कम हो जाता है नेक्स्ट है किडनी इन लो डोज इट डिप्रेज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन वेर एज इन हाई डोज इट एनहानसिस यूरिक एसिड एक्सक्रीशन जब हमारे बॉडी के अंदर नॉन स इन्फ्लामेटरी ड्रग का डोज अगर कम है तो इसके वजह से यूरिक एसिड एक्सक्रीशन भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है काफी ज़्यादा कम हो जाता है लेकिन अगर नॉन स्टोर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का हमारे बॉडी के अंदर डोज बढ़ जाता है तो इसकी वजह से यूरिक एसिड एक्सक्रीशन भी हमारे किडनी के जरिए काफ़ी ज्यादा एनहांस हो जाता है काफ़ी ज्यादा बढ़ जाता है सो so ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नॉन स्टल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ क्या क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं इट इस यूज़ एन एल जेसिक नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज़ एन की तरह किया जाता है यानी कि ये जो ड्रग है हमारे बॉडी के अंदर पेन को या फिर किसी भी टाइप के दर्द को कम करने में मदद करते हैं इट इज़ यूज एंटी पायरेटिक्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को एंटी पायरेटिक की तरह भी यूज़ करते हैं यानी कि ये ड्रग हमारे बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को या फिर फ़ीवर को कम करने में काम आता है इट इज़ यूज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की तरह भी यूज़ करते हैं यानी कि ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंफ्लॉमेशन होते हैं जो भी सूजन होता है जो भी स्वेलिंग होता है उसको कम करने में काम आता है इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर एंड ये जो नॉन एंटी एंटीटरी ड्रग्स होते हैं ये रोमैटिक फीवर एंड रोमेटोड के ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा मदद करते हैं एसक्रीन यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और इसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो इसी को प्रिवेंट करने के लिए एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है It is used in the treatment of headache. ये जो जो है, है। है, को भी ट्रीट करने के लिए काम आता होता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको गाउट हो जाता है जिसके वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा बॉडी में दर्द रहता है जॉइंट्स में दर्द रहते हैं इसी दर्द को ठीक करने के लिए गाउट को ठीक करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज किया जाता है इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एक बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके दांतों में काफ़ी दर्द रहता है तो इसी दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है सो so ये तो था इंडिकेशन ऑफ नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोज ऑफ नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को डॉक्टर कितनी मात्रा में कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले है एस्परिन। इसका नॉर्मल डोज होता है 300 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम और इसको ओरल के जरिए डेली लिया जाता है इसके बाद रूट के फिनाइल ब्यूटाजोन इसका नॉर्मल डोज होता है फोर मिलीग्राम से लेकर एट मिलीग्राम और इसको भी ओरल रूट के जरिए रोज लिया जाता है इसके बाद आई इसका नॉर्मल डोज होता है फोर

नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नॉन एंटी एंटीफ्मेटरी ड्रग्स यानी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनके अंदर नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को नहीं लिया जाता सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर किसी पेशेंट को नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रिएक्शन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में कभी भी पेशेंट को नॉन स्टरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए अगर किसी पेशेंट को हीमोफेलिया है या फिर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है या फिर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ऐसे कंडीशन में ऐसे डिजीज़ में भी कभी भी पेशेंट को नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशनस ऑफ नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वह आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा सो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है नॉन सीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वो अच्छे तरीके से ख़त्म होता है होप आपको ये जो चैप्टर है ये टॉपिक है अच्छे तरीके से समझ गया होगा